हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर। ये देखो, ये साबूदाना है। अब हम इसको एक कटोरे में डाल लेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह से धुल लेंगे, क्योंकि कुछ बाज़ार की चीज़ ऐसी होती हैं कि इनको साफ़ कर लेने में ही फ़ायदा है। हम इनको अच्छी तरह धुल लेंगे। हमने ये अब 15 मिनट भिगो कर रख दिया है, इससे ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब हमने गरम पानी लिया और गरम पानी में इसको छोड़ दिया। अब हम इसको करछी से अच्छी तरह घुमाएंगे, ये देखो ऐसे। अब ये थोड़ा, जब ये गर्म हो जाएगा थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये घुलने लगता है पानी में डालकर। फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये बादाम है। मैंने इनको थोड़ा थोड़ा काट लिया है। ये गोले का बुरुदा है और ये गोला मैंने कद्दूकस करके रखा है। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मखाने हुए या किशमिश हुई, जो जितना भी आपका मन हो इतना डाल सकते हो। अब इसको हम अच्छी तरह घुमाएंगे। और फ्रेंड, ये देखो अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने इसमें एक गिलास दूध छोड़ दिया है। अब देखो ये, अब मुझे थोड़ा कम लगा है इसमें, तो अपने हिसाब से डाल लेना दूध। अब मैंने 2 गिलास दूध डाल दिए हैं इसमें। और फ्रेंड्स, मैं इसको फास्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको आप आराम से देख सकते हो। आप लोग इसको स्किप करके भी देख सकते हो। ये देखो, अब इसे अच्छी तरह घुमाते रहना चाहिए, क्योंकि ये नीचे लग जाता है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ। मैंने इसमें बादाम डाले और गोले का बुरुदा डाला, और ऊपर से इसको घुमा देना है। ऐसे इसको मिक्स कर दो ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ये देखो, अब मैं इसमें गोले का बुरुदा डाल रही हूँ। अब फिर इसको मिक्स कर देना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि पतला भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इसमें जो गोला कद्दूकस करके रखा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट और भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हो। अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ, आप स्वाद अनुसार जितना भी आपको ठीक लगे इतना चीनी डालो। अब मैंने इसमें चीनी डालकर इसको मिक्स कर दिया है। ये देखो फ्रेंड, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है अभी। और हम इसको और पकाएंगे, जिससे बहुत अच्छा हो जाए। इसको ऊपर घुमाते रहना चाहिए बीच बीच में। ये देखो फ्रेंड, ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको दे सकते हैं खाने के लिए।